कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में सियासत भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ जाने के बाद ये वही अमेठी है जो राहुल गांधी के हाथ से निकलकर स्मृति ईरानी के पास चला गया। उसके बाद राहुल गांधी ने इस अमेठी की ओर मुड़कर नहीं देखा। खैर, आपको बता दें, जिस अमेठी की याद राहुल को 9 महीने में नहीं आई, जैसे ही राहुल गांधी कोरोना वायरस के कहर के बीच ये जानते हैं कि अमेठी में जनता के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, राहुल तुरंत अपनी बहन व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर अमेठी की जनता को तमाम ज़रूरत के सामान उपलब्ध कराने में जुट जाते हैं। राहुल और प्रियंका की ओर से अमेठी में लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखने हेतु कई तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं और अब इन सबके बीच स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका के अमेठी प्रेम पर बड़ा वार कर दिया है और अब स्मृति के संसदीय क्षेत्र अमेठी में खादी के कपड़े से मास्क खुद तैयार किए जाएंगे, बचाव के लिए ये ऐलान कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने मास्क तैयार करने का दायित्व खुद सहायता समूह की महिलाओं को देखते हुए उन्हें 44 मीटर कपड़े उपलब्ध कराए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी बंशीधर सरोज कहते हैं, COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कपड़े का मास्क तैयार करेंगी। खैर, आपको बता दें, शनिवार को ही राहुल और प्रियंका ने अमेठी में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का ऐलान किया था और अब यहाँ ये महिलाएं खुद मास्क तैयार करेंगी, ये खबर आ रही है। बता दें आपको, फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी की इसी भिड़ंत के बीच में अमेठी के विकास का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।